दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ देश और समाज के हालातों को बिगाड़ने में लगे हैं तो कुछ देश और समाज के लिए चिंतित हैं। इनमें से 15 वर्षीय हाई स्कूल की छात्रा जो देश और समाज के हालात देखकर इतनी व्यथित हो उठी कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले छात्रा ने पीएम मोदी नरेंद्र को उम्मीदों भरी चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था कि 19 पन्ने के सुसाइड नोट में छात्रा ने दुनिया छोड़ने से पहले देश और समाज के हालात पर चिंता जाहिर की थी। आपको बता दें कि यूपी के जनपद संभल की कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के कस्बा बबराला में रहने वाली 15 साल की छात्रा आंचल गोस्वामी ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया 19 पेजों का सुसाइड नोट मिला है। उसमें आंचल ने घर परिवार नहीं बल्कि देश और समाज के हालातों पर चिंता जाहिर की। बढ़ते प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या जैसे मुद्दे उठाकर प्रधानमंत्री से समाधान की उम्मीद जताई। अब परिजन आंचल का खत प्रधानमंत्री तक हर हाल में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे मिलकर विभिन्न मुद्दों पर बात करना चाहती थी पर यह संभव नहीं है। श्रीराम मंदिर का शिलान्यास कर बरसों से अधूरे पड़े कार्यों को अपने पूर्ण किया। भारत तो औषधि का देश है पर अब प्रदूषित हवा हर जगह फैल रही है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे? सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा कि मुझे यह दुनिया पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग झगड़ते हैं, माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज देते हैं, उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं, लोग पेड़ पौधे अपने हित के लिए काटते हैं, वह जानवरों पर अत्याचार करते हैं। जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं ऐसे लोग मुझे बुरे लगते हैं। नफरत है ऐसे लोगों से जो अपने राष्ट्रगान पर खड़े होने से कतराते हैं, देश विरोधी गतिविधियों से हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों का देश से निकाल देना बेहद जरूरी है। सुसाइड नोट में छात्रा ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। दिनांक 14 तारीख को रात 10 बजे की सूचना पुलिस को मिली कि एक आंचल गिरी नामक लड़की है जो कस्बा बबराला की है, वो आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस गई और वहाँ पर उसका शव उसके कमरे में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया, फील्ड में बुलाया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम में भी उस डेड बॉडी के पीएम के बाद भी आत्महत्या प्रतीत हुई और कुछ दिन बाद उस लड़की का एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ। उस सुसाइड नोट भी लड़की ने यही बोला है कि मेरे इस हत्या के पीछे कोई कारण नहीं है, ना कोई मेरे माता पिता को परेशान करेगा, ना ही मेरे किसी मित्र को, इष्ट को, मैं स्वयं से आत्महत्या कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई कारण नहीं है।